बेटियां हैं यहाँ वो पॉइंट फर्स्ट नहीं इसमें बात करते हैं जैसे जो जिनको सजा नहीं होती थी ना लोगों को इसके अंदर बच्चियां कोई कोई नहीं हाँ मेरी भी याददाश्त ताज़ा हो रही है कुछ मैंने आक्रमण किया था आप पे ना फिर मैंने कब्जा लिया था हाँ हाँ मैं राधा यहाँ से आते थे जिस भी रानी के पास जाता नॉक करके फिर हम अंदर जाते हैं वो कुंडियाँ देखो भाई ये सीढ़ियाँ देखना है तो आँख भी नहीं खुल रही अब तो देख रहा है पॉइंट देख रहा है तू अब इससे ज़्यादा क्या देखना है क्यों अब जयगढ़ चलते हैं बीबी कैसा लग रहा है मज़ा आ रहा है जयपुर देखो जयपुर देखो एक जैसे मसूरी देखते हैं ना अपने घर से बोरा तो जयपुर हेलो गाइस ये आज मौसरी का बर्थडे ये केक आई हेलो हेलो दिखो ये रखा आधा खराब है कुछ नहीं आता मेरी तरफ भी दिखाओ मारो फोन मारो हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल हैप्पी बर्थडे बर्थडे थैंक यू सो मच बोलो कार्ड भी दो ना साथ में बढ़िया 12 बजे बढ़िया भाई 12 के 12 हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक आज है 26 मार्च 2023 और आज है मेरा बर्थडे तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने फटाफट से नाश्ता करते हैं और फिर प्लान करते हैं कि हमको जाना कहाँ है अभी तक हमने कोई प्लानिंग करी नहीं है अभी प्लान करके हम निकलते हैं फिर आज भी हम जयपुर में स्टे करने वाले हैं और लेट्स सी देखते हैं आज पूरा दिन क्या क्या होने वाला है कल शाम को हमको इस मार्केट में जाना था ये जो मार्केट लगी है इधर झील के लेक के बगल में हम जा नहीं पाए पर आज शाम को हम यहाँ पर एक बार ज़रूर चक्कर काटेंगे ठीक है तो चले चले मैडम ठीक है अभी जाके हम उठाने वाले अपने मानस भैया को इसका रोल मंडोल रहा है जयपुर में कुछ ज्यादा जाके तूने सुना थी अरे नाश्ता तो कर लो पहले आप जल्दी फ्रेश होते हो हमारा प्लीज एटलीस्ट ये तो मत वीडियो बनाओ और शर्मा गई नाश्ते में क्या क्या भाजी पूरी भाजी खाऊंगा पूरी भाजी
सो वी आर बैक। रिक्वेस्ट करने के बाद हमारा क्या फाइनल हुआ है? हमारा फाइनल हुआ है कि रुक रहे हैं एंड वी आर गेटिंग रेडी टू गो। मेरे GoPro की बैटरी हो रही है थोड़ी डाउन, और जब तक हम रेडी होते हैं मैं इसको लगाता हूँ चार्ज पे, और जब तक ये हो रहा है चार्ज तब तक आप लोग शेयर का बटन जरूर दबाएं और लाइक करना ना भूलें। सो अभी तो हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए, बस मैडम के रेडी होने का वेट कर रहे हैं। सूरज चढ़ चुका है और अभी हम पहले जाएंगे आमेर का किला एंड देन हम जाएंगे एलिफेंट पार्क जो आसपास में ही है, तो देखते हैं वहाँ जाके क्या है क्या नहीं है। और बस अब हम कर रहे हैं निकलने की तैयारी। यार पता है 12 बज चुके हैं और अभी हम घर के अंदर ही हैं। भाई अकेले होते ना तो सुबह 6 बजे हमने निकल जाना था व्यू देखने के लिए, पर अभी क्या है कि सुबह 12 बजे हम कल रात को 12 बजे सोए थे, वो भी व्लॉग आएगा बाद में आएगा। भयंकर भीड़ है, आगे जाम लगा हुआ था तो हमने गाड़ी रास्ते में पार्क कर दी, और पार्क करने के बाद अभी हमने गाइड लिया है एक, यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव आपको गाइड मिल जाएंगे जो 400 रुपये फॉर 4 पर्सन 1 to 4 पर्सन आपको चार्ज करेंगे, बट आपको पूरा ले जाएंगे दिखाएंगे सब कुछ, आपको एक अच्छा सा टूर देंगे। ठीक है क्या फायदा? अच्छा वहाँ से घूम के यहीं आ रही है, यही तो आ रही है एयरपोर्ट की एंट्री। तो भाई ये अभी यहाँ तक जाम लगाओ, पर ये रास्ता पूरा पूरा जय हो बिहारी, ये बिहारी जी का मंदिर है जैसे ये बता रहे हैं। और मुझे लगता है मुझे गाइड भैया के साथ चलना चाहिए, जो कुछ वो बता रहे हैं यहाँ से लोग इधर शिफ्ट कर दिए। इधर के शिफ्ट किए पता है आपको, क्योंकि ये जो राजपूत राजा थे ना उनके रिलेटिव थे, जोधा भाई राजकुमार की उनकी शादी आगरा के लिए हुआ था, तो वो इधर उन्होंने ज़्यादा डेस्ट्रॉय नहीं किया, तो उनको बचाने के लिए मूर्तियों को यहाँ रख दिया उन्होंने। तो गाड़ी छोड़ने के बाद अभी हम पैदल पैदल लगे हुए हैं रास्ते, चढ़ाई तो है नहीं चलना बताता हूँ। आज से 20 साल पहले जो टूरिस्ट आते थे ना वहाँ तक पैदल जाते थे, अच्छा तो दिन भर का टाइम रहता था उनके पास, गाइड लेके जाते थे साथ में वहाँ तक जाते थे आराम से घूम के शाम तक आते। तो वो जो किला बना हुआ ना इसका नाम जयगढ़ फोर्ट है। अच्छा वो जयगढ़, हाँ ये आप आमेर फोर्ट देखें, जयगढ़ फोर्ट और आमेर दोनों दिखते हैं ना बिल्कुल। जयगढ़ फोर्ट अभी भी राजा के पास है और ये आमेर फोर्ट गवर्नमेंट के पास है। जयगढ़ में राजा की बात बिल्कुल, राजा की प्रॉपर्टी जो है ना वो जयगढ़ फोर्ट है, सिटी पैलेस है, और जो सिटी पैलेस वालों को ये ना कि जयगढ़। तो ये राजा की ने जो फोर्स थी ना राजा के पास आर्मी वेपन्स जो थे राजा के पास उसके लिए तो वो जयगढ़ फोर्ट था, यहाँ राजा रहते थे। अच्छा। यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए टनल बना रखा राजाओं ने। अच्छा। वो टनल को गवर्नमेंट ने 2015 में एक्टिव कर दिया, सबका राजा एक ही था मैडम। क्या नाम? मान सिंह। यस, तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए टनल बना हुआ, टनल जो है उसको गवर्नमेंट ने 21 तारीख से लेकर 31 तारीख से बंद कर दिया, नवरात्रि चल रहा है भाई तो उसको मतलब कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया।
तो राजा ने 400 साल पहले किले की सेफ्टी के एक दीवार बनाया। देखो सामने दीवार दिखाई दे रही है, ये दीवार चारों तरफ एक सर्किल है जिसका लेंथ 12 किलोमीटर है। अभी आपको थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, दिखाई देगी पूरी दीवार। भैया उधर जा रहे हैं हमें। हां मैंने देखी। आपने क्या बताया, ये मतलब ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार जो है, थर्ड लार्जेस्ट वॉल है, सेकंड लार्जेस्ट वॉल है जो कुंभलगढ़ में है उदयपुर के पास, और फर्स्ट लार्जेस्ट वॉल चाइना की है जो 6000 किलोमीटर अप्रोक्स। ओके, और वो कितने हैं? 36 किलोमीटर वो 36 कुंभलगढ़ वाली, ये 12 किलोमीटर अप्रोक्स है। अच्छा, तो ये पूरा एक सेफ्टी वॉल है जो राजाओं ने बनवाई थी। राजा महाराजा यहाँ गाँव की सेफ्टी के लिए उन्होंने दीवार बनाई। नहीं बेटा, वो देखो दीवार का कुछ पार्ट वहाँ भी दिखाई दे रहा है आपको। दे रहा ना, इतनी बड़ी दीवार, ये पूरा दीवार है। और ये पहाड़ कौन से पता आपको? अरावली है, अरावली के पहाड़ है। आपको लाइन बोरा पूरा लाइन आ रहा पूरा वहाँ से, क्लच प्लेट आपका दिक्कत है, छोड़ कर आया क्लच बहुत जबरदस्त स्मेल मारता आपका, ये तो मैं अभी गाड़ी छोड़ कर आया हूँ। तो ये जो सामने दीवार है ना, देखो आपको पूरा दिखाई दे। अच्छा, वो पूरी है पीछे तक? बिल्कुल। तो ये जगर किला है, ये आंबेर फोर्ट है, उस जगर किले पर झंडा दिखाई दे रहा है। कौन सा झंडा है? भारत में ही नहीं, इंडिया का नहीं है सर, 5 कलर का है। 5 कलर का झंडा है। अच्छा, हमारे यहाँ जयपुर जो रियासत थी ना इंडिपेंडेंट से पहले, वो 5 कलर का फ्लैग यूज करती थी। अच्छा, उन्हीं का है? वो उन्हीं का झंडा है, और अपनी प्रॉपर्टी पे उन्होंने लगा रखा है। हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको तो हमारे को 2 दिन अलाउड है अपने घर पे लगाना। यस। तो सर ये इसकी कहानी आपको नेशनलाइजेशन के समय जो वल्लभ भाई पटेल थे ना, उनकी स्टोरी सुननी पड़ेगी। वल्लभ भाई पटेल ने जब यहाँ पर रियासतें को आके टटोलन देखा ना, तो सारी रियासतें पाकिस्तान के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी, क्योंकि उनकी जो वेल्थ यानी कि शोहरत जा रही थी, बिल्डिंगें जा रही थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका बेनिफिट उठा के सभी रियासत को एक एक ब्लैंक पेपर साइन करके दे दिया कि आप मेरे साथ मिल जाइए, मैं आपको अथॉरिटी दे दूंगा स्टेट बनाने की, आपकी प्रॉपर्टी भी ऐसे रहेगी और आप मालिक रहेंगे। तो इस पूरी रियासतों के जो राजा जो थे, उनके जो लीडर था ना, वो जयपुर का राजा था। अच्छा। उसका नाम सवाई मान सिंह था, और उसकी पत्नी पूरे इंडिया में सबसे सुंदर थी। तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिल के वल्लभ भाई पटेल से डील कर लिया कि एक बताइए कि सारे रियासतों को आपके पास हम हैंड ओवर कर देते हैं, तो आप हमारे को क्या बेनिफिट देंगे? तुम्हारा फोर्ट तुम्हारे नाम पर है। तो उन्होंने बोला 2 प्रॉपर्टी आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग में दे दूँगा। बोले कौन सा? बोले आप जो भी मांगेंगे। बोले हमको सिटी पैलेस जगड़ फोर्ट चाहिए। बोले ठीक है दे दूँगा। अभी बाहर रहते हैं। दूसरा, उनको सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल ने अपनी तरफ से उनके हस्बैंड को सबसे पहले गवर्नर बनाया था राजस्थान। अच्छा, अगर वो नहीं होते ना वल्लभ भाई पटेल, ये राजा नहीं होता, तो ये राजस्थान पाकिस्तान के साथ ही रहता। हाँ, ये तो बात है। तो वो गायत्री देवी अभी 2009 में मरी है। हाँ। वो पूरे देश की सबसे सुंदर महिला थी और वर्ल्ड के टॉप 10 में थी। और वो गायत्री देवी जो थी 1940 में राजा के साथ शादी करके आई थी, वो 21 साल छोटी थी राजा से। अभी कौन है महाराजा? 24 साल का लड़का है, सवाई पद्मनाभ सिंह। कहाँ रहते हैं? सिटी पैलेस में रहते हैं, लेकिन फॉरेन में रहते हैं। फॉरेन में रहते हैं। उसने आए थे तो बताया नहीं था उन्होंने कभी। ट्रस्ट बना रखा, उन्होंने ट्रस्ट इसको मेंटेन करता है प्रॉपर्टीज को।